अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारिस है और जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको कोई ना कोई चेंज नज़र आ रहा होगा। जी हाँ, मेरे चैनल में ये अब नई लुक है जो आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी इस साइड की काफ़ी हद तक सेटिंग हो गई है, इस साइड पे अभी मैंने सेटिंग करनी है। ये तो बस मैंने एक लाइट वगैरह लगा दी है ताकि यू नो खाली खाली ना लगे, बुरा सा ना लगे। लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि इंशाल्लाह ताला इस चैनल के ऊपर अभी प्रॉपर तरीके से सेटिंग हो जाएगी बैक पे और ये बहुत खूबसूरत लगेगा। आई डोंट नो अभी कैसा लग रहा है यार, ये मेरी पहली वीडियो है तो बी श्योर टू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने आपसे एक और बात करनी है कि यार आप लोग जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, वहाँ पर आप लोग मुझे DM भी कर सकते हो, मुझे टैग वगैरह भी कर सकते हो, कोई स्टोरी वगैरह कर सकते हो, कोई सवाल पूछ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सो इट्स मोर लाइक अ कम्युनिटी ओवर देयर और टू वे कम्युनिकेशन होती है वहाँ पर। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लो और मुझे इधर वीडियो पे सब्सक्राइब भी कर लो। जिनको नहीं पता उनके लिए कि एवरीडे कैरी एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब आपका सारा सामान जो आप कहीं भी जाते हो एज अ यूट्यूबर, ताकि अगर आपको कोई काम कहीं पे करना पड़े तो आप उसे कर सको। तो मेरे एवरीडे कैरी में एक मिनी ट्राईपॉड है जो कि आप बिल्कुल एज अ बैकअप लेके जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं गाड़ी पर कहीं सैर करने जा रहा हूँ तो मेरे बैग में तो ट्राईपॉड नहीं होगा, लेकिन मेरी गाड़ी में ज़रूर ये वाला ट्राईपॉड आपको नज़र आएगा। उसके बाद गिम्बल को मैं अपने बैग में रखता हूँ क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे हर जगह लेके जानी पड़ती है, और अगर मुझे क्विकली माउंट करना हो तो इसी गिम्बल के साथ एक बहुत छोटा सा ट्राईपॉड है जो कि मैं अपने कैमरा के नीचे माउंट कर सकता हूँ और उसे कहीं भी लेके जाके इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अगर मुझे बहुत ही क्विक एक स्टेबल फुटेज चाहिए तो मैं उस ट्राईपॉड का इस्तेमाल कर लूँगा, लेकिन इफ़ आई नीड अ मोर कॉम्प्लेक्स शॉट, यानी कि बहुत एक अच्छी शॉट चाहिए, तो फिर मैं अपने गिम्बल का इस्तेमाल करूँगा। ऑडियो इज़ हाफ द वीडियो, ये हर कोई मानता है, लेकिन पर्सनली मेरे लिए ऑडियो की गेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अपनी ऑडियो का बहुत ख्याल रखता हूँ। और ऑडियो को बेहतर करने के लिए आई हैव दिस बोया MM1 माइक जो कि मेरा बहुत फेवरेट माइक है। इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि ये सस्ता तरीन माइक है, यानी कि 2600 रुपये के अंदर जो ये ऑडियो क्वालिटी आपको देता है, दैट इज़ जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको इसकी ऑडियो का एक सैम्पल चाहिए तो मैं अभी देने लगा हूँ, तो उससे पहले इसके कुछ फीचर्स सुन लें। ये एक ऐसा माइक है जो कि कार्डियोइड माना जाता है, 3.5 mm हेडफोन जैक के साथ ये कनेक्ट होता है। आप इसे कैमरा और स्मार्टफोन किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं ईजिली, एंड इट डजेंट इवन रिक्वायर एनी काइंड ऑफ पावर। जैसे कि ये बड़ा माइक है, इसको ये USB कोड पावर दे रही है, तो उसके लिए यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ पावर, यू जस्ट नीड टू कनेक्ट इट विद योर फोन और योर कैमरा, और आपकी ऑडियो क्वालिटी इंस्टेंटली बहुत बेहतर हो जाती है। अब बहुत से लोग इस माइक को कैमरा के ऊपर अटैच करके इस्तेमाल करते हैं। पर्सनली मेरा ख्याल है कि माइक जितना आपके मुंह के करीब होगा उतनी बेहतर ऑडियो क्वालिटी आपको सुनने के लिए मिलेगी, इसीलिए मैंने इसके साथ ये एक्सटेंशन कॉर्ड भी मंगवाई है जो कि मैंने Draz.pk से ली थी और तकरीबन 150-200 रुपये की मिली थी, और इसने मेरी इस माइक की क्वालिटी को बहुत बेहतर कर दिया। तो इस वक्त जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये बोया MM1 में रिकॉर्ड की गई है और ये ऑडेसिटी के थ्रू थोड़ी सी एडिट की गई है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये मेरे ब्लू येटी के साथ कैसे कंपेयर कर रही है, और अगर आप लोगों को ये वाली ऑडियो पसंद आती है या आपको इतना ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होता तो ये 3000 वाला माइक उस माइक से बहुत बेहतर है, तो आप ये ख़रीद लें। अगर आप लोग सोली इस माइक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेक श्योर यू गाइज लाइक कनेक्टेड विद अ बूम आर्म और अपने मुंह के करीब कर लें। वो छोटा माइक है, वो इतनी जगह भी नहीं घेरेगा, एंड इट इज़ वेरी लेस डिस्ट्रैक्टिंग एज वेल, एंड इट लुक्स मच मोर प्रोफेशनल। तो अगर आपको वो माइक खरीदना है तो मेक श्योर यू गाइज जस्ट गो एंड बाय दैट, तो बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी आपको मिल जाएगी। अगर आपने बिल्कुल उसकी ऑडियो क्वालिटी को इसकी ऑडियो क्वालिटी के करीब करीब करना है तो यू कैन जस्ट डू इट विद एडिटिंग। उसके लिए जो सॉफ्टवेयर पर्सनली मैं इस्तेमाल करता हूँ वो है ओडेसिटी, तो आप लोग ओडेसिटी को सीख सकते हैं और उससे एक बेहतरीन किस्म की ऑडियो क्वालिटी निकाल सकते हैं। अब मेरे जो दो मेन चीज़ें हो गई हैं वो है ट्राईपॉड और ये माइक। अभी जो पोर्टेबल लाइटिंग सिस्टम है वो मेरे पास नहीं है, तो इसीलिए अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो आई प्रेफर शूटिंग आउटसाइड, लेकिन मैंने एक छोटी लाइट ज़रूर खरीदनी है, मैं वो खरीदूंगा तो आप लोगों को उससे अपडेट कर दूंगा। अब आप में से काफ़ी लोगों को पता है कि जो मेरा मेन एडिटिंग कंप्यूटर है वो है मैक मिनी M1 चिप, और उसको खरीदने की एक वजह थी कि M1 चिप्स आर फार बेटर देन इंटेल चिप्स एंड इंटेल मैक्स, इसीलिए मैंने इसको खरीदा है एंड आई लव इट, मुझे पसंद है। पोर्टेबल अब देखा जाए तो मैक मिनी यू कैन टेक इट एनी वेयर, इफ फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग आउटसाइड द कंट्री तो मैं अपने मैक मिनी को बस उठा लूँगा, साथ पावर केबल को उठा लूँगा, एंड आई कैन लाइक कनेक्टेड विद एनी TV जो कि आपको होटल रूम में मिल जाता है। अगर मैं पोर्टेबल तरीके से वीडियो एडिटिंग करना चाहूँ या मुझे करने की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए जो मेरे पास मशीन है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट मशीन्स बाय एप्पल, इट इज़ दी iPad Air 3। ये आप देख भी सकते हैं, B-rolls भी मैं इसके ले लूँगा, और मैंने इसके साथ इस ब्रिज के कीबोर्ड को कनेक्ट किया हुआ है जो कि वायरलेस ब्लूटूथ कीबोर्ड है, और ये बिल्कुल मैकबुक वाली वाइब आपको देता है। यस, देर इज़ नो ट्रैक पैड हेयर,
और इसके ट्रैक पैड के जुगाड़ के लिए मैंने एप्पल ट्रैक पैड 2 लेने का सोचा है। अभी के लिए आई यूज लूमा फ्यूजन ऑन दिस, जिसके अंदर लट सपोर्ट है, की फ्रेमिंग है, प्रॉपर कलर ग्रेडिंग है, सारा कुछ आपको इजीली देखने को मिलता है, स्टेबलाइजेशन है, क्रॉप, सब कुछ, और वो इस ब्लूटूथ कीबोर्ड के साथ ईजी वर्क करता है, प्रॉपर इंटीग्रेटेड है। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने नोटिस करनी है कि जो चीज़ें आपको इस तरह की चाहिए वो आप इसमें देख सकते हैं। फिर इफ़ आई हैव टू मेक थंबनेल्स ऑन माय आईपैड तो आई विल डेफिनेटली यूज़ एफिनिटी फोटो, वही सॉफ्टवेयर जो मैं अपने मैक में यूज़ करता हूँ, दैट इज़ फुल फ्लेज वाला अवेलेबल ऑन दी आईपैड और मैंने परचेज किया हुआ है। तो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि वो इट इज़ दी बेस्ट सॉफ्टवेयर, बिकॉज मैं एडोबी स्वीट को पसंद करता हूँ, लेकिन एंड द थिंग आई डोंट लाइक अबाउट इट इज़ जो मंथली पेमेंट्स होती हैं, इसीलिए मैं वन टाइम परचेज वाले सॉफ्टवेयर ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो ये चीज़ भी आपको मैंने बतानी थी। और ये आईपैड के ऊपर एक सेपरेट रिव्यू आएगा, लाइक एडिटिंग से सब कुछ इस आईपैड के ऊपर, और मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को वो वीडियो बना के दूँ। तो फिलहाल के लिए माय वेब ब्राउजिंग, मूवी वगैरह के लिए, यूट्यूब के लिए मुझे आईपैड का बहुत मज़ा आता है। आई यूज़ माय आईपैड, ऑल्सो आई हैव अ पेंसिल विद इट, तो मैं इसके ऊपर ड्राइंग वगैरह भी कर लेता हूँ। तो ये मेरी मशीन है एंड माय कैमरा, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, और इस कैमरा से मुझे बहुत प्यार है माशाल्लाह। और आप भी माशाल्लाह कमेंट्स में लिख देना यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे कैमरा को कुछ हो। तो आई कैरी माय कैमरा लाइक अगर मुझे कहीं पे वीडियो वगैरह बनानी हो, बिकॉज आई नो आई ट्रस्ट दिस कैमरा द मोस्ट। आई लव द कलर्स जो ये देता है, आई लव द वे इट वर्क्स, ईज़ ऑफ यूज़ बहुत अच्छा है, क्वालिटी इज़ वेरी गुड, साइज़ भी इतना बल्कि नहीं है और छोटे लेंजेस लगते हैं ड्यू टू द स्मॉलर सेंसर साइज़। फिलहाल आई कैरी माय कैमरा हर जगह। तो ये है मेरा एक तरह से एडिटिंग का सारा सीन। अगर अब आप लोग मेन चीज़ सुनना चाहते हैं कि द फ़ोन आई कैरी राइट नाउ, बहुत ही सैड स्टोरी है, बट आई कैरी पिक्सल 3 और कल एंड्रॉयड 12 पे अपडेट करने के बाद आई रिग्रेट अपडेटिंग इट, और अब मैंने इसको वापस रिपेयरिंग के लिए भेजना है। तो वो पिक्सल 3 वहाँ पीछे पड़ा हुआ है। फिलहाल मेरी सिम उस फ़ोन में है जिसको मैंने बहुत जलील कर दिया है, पोको X3 GT, और बहुत मजबूरी से मैंने सिम डाली हुई है, इंशाल्लाह कल से पहले पहले निकाल भी लूँगा। और ये दो फ़ोन्स हैं मेरे पास अभी, इंशाल्लाह फ़ोन्स भी अपग्रेड करने हैं, थोड़ा सामान भी लेना है, ये स्टूडियो का टूर अभी सेट हो रहा है, ये भी करना है। तो उस सब के लिए मेक श्योर यू गाइस गो देयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू हिट सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। माय नेम इज़ हारिस, दिस इज़ माय एवरीडे कैरी, एंड अल्लाह हाफिज़।